दोस्तों पहले तो भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और 2-0 से सीरीज गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भारतीय टीम पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने लगा डाला इतने करोड़ रुपए जुर्माना व 2 साल तक का प्रतिबंध। आखिरकार दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं श्रीलंका टीम ने भारतीय टीम पर क्यों लगा डाला इतना भारी जुर्माना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच कोलंबो के मैदान पर खेला गया, जहां पर एक बार फिर श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 50 ओवर में बनाए 248 रन। दोस्तों श्रीलंका की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए अविष्का फर्नांडो ने खेली ताबड़तोड़ 96 रनों की पारी। तो वहीं दोस्तों भारत की तरफ से रियान पराग ने झटके सर्वाधिक 3 विकेट। तो वहीं दोस्तों 249 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका गेंदबाजों की आग उगलती गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई और मैच 138 रन ही बना सकी। इस तरह दोस्तों पहले तो भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 110 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और 2-0 से सीरीज गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम पर लगा डाला 7 करोड़ रुपए जुर्माना व 2 साल तक का प्रतिबंध। दरअसल दोस्तों स्लो और रेट के चलते श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने लगा डाला इतना भारी जुर्माना।